भाई मेरे पास तो 200 बॉम्ब इजीली हो जाएगा, मैंने इतना ज्यादा सल्फर गला के रखा है एंड 2000 जीपी पड़ा भी हुआ है और भी बनाना है मेरे को, 200 बॉम्ब तो हो ही गए समझ लो। तो हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस कैसे आप सभी लोग, आई नो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल लाइफ। तो भाई जिन जिन बंदों ने ना लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि हम ना एक चैलेंज कर रहे हैं जिसके अंदर ना मेरे को स्टार्टिंग के 24 घंटों के अंदर ही 200 ऑयल बॉम्ब बना के रखने हैं, वो भी सोलो के अंदर। अब देखो ये 4x4 का बेस ना मैंने पूरा का पूरा आयरन के अंदर मार दिया, प्रोटेक्शन वॉल वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वॉल है, बाकी वो तोड़ने के बाद तो रेडी हो जाएगा अपना बेस यार। तो अभी क्या करना है गाइस, मेरे को जरा सा अंदर की साइड से प्रोटेक्शन कर देना है बेस को, क्योंकि आयरन का तो पहले ही सही है, बंदा तो सोचेगा नहीं रेड मारने का, बट फिर भी अंदर की साइड से प्रोटेक्शन करना है। एंड अभी ना मेरे पास देखो कल रात से मैं खेल रहा हूँ, तो मेरे पास अभी 20,000 सल्फर आ चुका है एंड उसके बाद मैंने 20,000 के करीब आयरन भी कर दिया है एंड कुछ मेल्ट भी कर दिया है। इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है फर्नेस के अंदर, तो रात से जल रही है वो फर्नेस के अंदर भी हो रहा है, अभी मेल्ट हो रहा है एंड इस वाली फर्नेस के अंदर भी हो रहा है। तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को और भी ज्यादा फर्नेस लगानी है एंड जो चीजें मैंने लाई ना फार्मिंग करके, तो उसको भी असेंबल करके रखना है। तो फिर पहले ना मेरे को अपना बेस अंदर की साइड में प्रोटेक्शन करके लेना है एंड जो चीजें यहाँ पर इधर उधर बिखरी हुई ना, इसको एक लाइन के अंदर और एकदम मतलब ठीक ठाक लगाना यार। तो अभी क्या करता हूँ भाई, ये जो डब्बे डुब्बे ना ये सारे के सारे हटने वाले एंड यहाँ पर लगने वाली अपनी लास्ट स्टोरेज, पहले छोटू सा डिब्बा निकाल लेता हूँ एंड इसको ना नीचे की साइड में एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर लास्ट स्टोरेज मैंने लास्ट टाइम में हाँ ग्रीन रूम किया था ना, तो उससे मिला था मेरे को लास्ट स्टोरेज। अभी ये सेकंड नंबर पे लगा लेता हूँ, दो मिली थी मेरे को, अभी एक को लगा लिया, इसको यूज करता हूँ। एंड अभी ना इस वाली लास्ट स्टोरेज के अंदर मैं सारा का सारा जो आयरन सल्फर वगैरह होता है ना वो रखने वाला हूँ, आयरन तो नहीं सल्फर और जो बॉम्ब वगैरह बनी है ना, तो वो रखेंगे मेन मेन चीजें। एंड नीचे वाला जो बक्से वक्से होगा ना ये तोड़ दो यार, कुछ काम के नहीं है, इसको डिमोलिश मार देता हूँ मैं यहाँ पर एंड इससे लूट मिलेगी जो भी है उठा लो इसको, और उसके बाद इसको भी डिमोलिश मार दो एंड इससे भी जो लूट मिलेगी ये सारा का सारा उठा लेता हूँ मैं। एंड चलो अभी ना नीचे का फ्लोर भी खाली हो चुका है एंड ये लास्ट स्टोरेज अभी लगेगी नीचे की साइड में, इसके अंदर भी मैंने जो सामान फालतू का है ना तो वो भर देता हूँ इसके अंदर अभी। ये देखो इंजेक्शन वगैरह एंड ये पता नहीं कुछ डब्बे डुब्बे होते हैं, पता नहीं क्यों मिलते हैं, ये भी रख देता हूँ। एंड उसके बाद रोप तो अपने काम की है, रोप ऊपर ही रखेंगे एंड चलो भाई अभी ना बाकी का सामान ऊपर की साइड में, जैसे कि ये अपना 2000 सल्फर एंड उसके बाद ये रोप भी काम की होती है इसको भी रख दो एंड ये वायर भी काम की होती है इसको भी रख दो, ये गन भी काम की है एंड ये सभी ना जरा सा खुला खुला सा हो चुका है एंड इस वाले डब्बे के अंदर क्या, इस वाले डब्बे के अंदर फार्मिंग की थी मैंने, ये सारा का सारा उठा के रख देता हूँ मैं अपने बैग के अंदर। ऑलराइट इसके अंदर का सारा सामान निकाल लिया, अभी इसको भी डिमोलिश मार देता हूँ क्योंकि कुछ भी काम का नहीं है। एंड इसके अंदर जाने वाली चीजें इसके अंदर रख देते हैं, पहले तो सल्फर जाने वाला है, टोटल ना मैंने 20,000 सल्फर किया था गाइस। एंड चलो अभी कैबिनेट के अंदर रख देता हूँ मैं 12 स्टील एंड उसके बाद 4,500 अपना 4,500 स्टोन रख दिया एंड उसके बाद ना अभी जरा सा पूरा का पूरा स्टील लेता हूँ एंड उसके बाद क्या करता हूँ, ये जो मेन डोर है ना भाई, एक सेकंड यार, मेन डोर जरा डबल डोर भाई इसको तोड़ दो पहले, यहाँ पर डबल डोर लगने वाला क्योंकि यार ये घटिया सा डोर है भाई। चलो अबे ये ले भेज की, अबे जल्दी मारो यहाँ पर नहीं तो बंदा आके भाई मेरा बेस रेड मार देगा। अपने पास वुड ले लिया एंड अभी लगाता हूँ यहाँ पर डबल डोर एंड इसके ऊपर ना लॉक भी लगाना है मेरे को, आयरन बार ले लेता हूँ एंड उसके बाद स्टोन ले लेता हूँ और इसके ऊपर इंस्टॉल कोड कर देता हूँ पहले मैं, नहीं तो भाई पता चले बंदा ही घुस जाए अंदर की साइड में, बाद में अपग्रेड मार रहा हूँ, फायदा ही क्या है, इसको अपग्रेड एंड इसको अपग्रेड एंड फिर से अपग्रेड। अभी बन गया भाई स्टील का डोर, अभी घुस के दिखाओ इस बेस के अंदर, बेस की टाट यार मजा आ गया क्या। एंड अभी चलो भाई ज्यादा मस्ती नहीं करते, इसके अंदर फिर से भर देते हैं सारी चीजें एंड ये सभी ना जरा सा खुला खुला हो चुका है, पहले बहुत ज्यादा ही इधर उधर सामान था, बट एक सेकंड ना फर्नेस को कहां पर जगा दूंगा यार मैं, फर्नेस तो एक लाइन में लगी नहीं रही मेरी। ऑलराइट अभी ना जरा सी फर्नेस साइड में लग चुके हैं और अभी क्या करता हूं, यहां पर मैं जरा से ब्लॉक्स लगा के ना ये कमरे अलग अलग सेपरेट कर लेता हूं, अभी यहां पर ये नहीं लगाना था मेरे को, इसको डिमोलिश मार लेता हूं फिर से। अभी यहां पर लगने वाला एक डबल डोर, यहाँ पर एक डबल डोर लगेगा एंड इधर की साइड में एक, यहाँ पर भी एक एंड चलो यहाँ पर डबल डोर लग चुका है एंड उसके बाद यहाँ पर लगाने वाला था बट यहाँ पर ऑलरेडी ये, यहाँ पर ना ये बेंच रखी हुई है ना तो इसलिए लग नहीं सकता, तो छोड़ो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अभी इसको आयरन अपग्रेड के अंदर मार देता हूँ एंड तू भी हो जा फटाफट से आयरन के अंदर अपग्रेड, और अभी ना दो लॉक बना देता हूँ फटाफट से। एंड तभी तक क्या करता हूँ, मेरे पास जो स्पीयर लॉक में पड़ी हुई थी ना बैक के अंदर, वो निकालने के लिए यहाँ पर जरा सा R&D बेंच पे जरा सा रेसिपी डालता हूँ क्राफ्ट करने के लिए। उसके बाद ना 400 स्पीयर हो जाएगी अपनी अनलॉक एंड अभी देखता हूँ कितनी ज्यादा बची है लॉक में। अभी लॉक में ना 220 स्पीयर पड़ी और 400 अनलॉक हो चुके, टोटल स्पीयर कितनी है मेरे पे एक बार देखता हूँ, टोटल स्पीयर ना मेरे पास 962 यार, मेरे पास ना बहुत ज्यादा कम ही स्पीयर है यार, मेरे को ना पूरा का पूरा वर्क बेंच ना अपग्रेड मारना पड़ेगा, लेवल जो होता है ना एडवांस उसके ऊपर तक करना पड़ेगा। अभी लो कर देता हूँ, चलो ठीक है पूरा अपग्रेड मारना पड़ेगा भाई इसको। चलो ठीक है मेरे पास मीड का होने तक की तो स्पीयर है बट और भी लगने वाली, मेरे को कम से कम 1600 स्पीयर लगती है पूरा का पूरा वर्क बेंच मैक्स करने के लिए। तो अभी ना मेरे को जरा सा स्पीयर फार्म करने को भी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास स्पीयर ही बहुत ज्यादा कम है, अगर
स्पीयर नहीं होगी तो बॉम्ब की रेसिपी नहीं निकाल पाऊंगा। एंड बॉम्ब का क्या यार, बॉम्ब तो इजीली मिल जाएगा, उसके बाद बॉम्ब भी बना देंगे। मेरे को ना अभी सिर्फ तीन चीजें चाहिए, देखो, एक तो मेरे को फार्म करना है अपना रोड, एंड उसके बाद सेकंड चाहिए मेरे को 4-5 हजार सल्फर, एंड उसके बाद 10-15 हजार वुड, एंड उससे ही हो जाएगा अपना काम धंधा कम्प्लीट। एंड बस भाई, और उतनी ही चीज से ना अपने बॉम्ब बन जाएंगे पूरे के पूरे 200-200। बॉम्ब का रिकॉर्ड टूटने वाला भाई, कम्प्लीट भी कर दिया तुम्हारे भाई ने, सिर्फ जरा सी चीजें बाकी है अभी। देखो इसके अंदर ना अपना मेन कैबिनेट है ना, तो यहाँ पर 50% नहीं, यहाँ पर ट्रायंगल लगा है, उसके ऊपर ट्रायंगल एंड उसके ऊपर 50% वॉल है, जिससे कि बना है अपना डबल सीलिंग। बाकी यहाँ पर अभी ना मेरे को जल्दी से जल्दी इसको भी स्टील का बना लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई रिस्क नहीं ले सकते। वैसे यार स्टील का कर ही देता हूँ मैं अभी, क्योंकि पता नहीं कब रेड हो जाए, यहाँ पर स्टील तो है मेरे पे। तो एक काम करो भाई, इस डोर को ना अपग्रेड ही मार दो स्टील के अंदर। यस, अभी ये हो चुका है स्टील का पूरा डोर। अभी इसके ऊपर तो भाई रेड मारने की कोई सोचे भी ना भाई। पता नहीं यार कितनी देर से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यार, कोई ना कोई चिल्ला रहा है, देखो इसकी माँ की आँख भाई, इतनी घटिया आवाज है तेरी, इतनी घटिया आवाज है, क्या ही तो बोलू भाई, इतना घटिया कैसे चिल्ला रहा है भाई, तू निकल साइड में। अभी इसका एनिमल फैट मिल चुका है भाई, इतनी घटिया साउंड आ रही है, मैं क्या ही तो बोलू यार, परेशान हो गया भाई इसकी साउंड सुन सुन के। और लेट अपना बेस का डोर बंद कर लेता, नहीं तो अंदर की साइड में भी घुस जाएगा ये नूपड़ा गई का। एंड लेट्स गो, अभी ड्राफ्टिंग टेबल के अंदर जाके देखता हूँ, क्लैम आ चुका है, अपनी रेसिपी फाइनली बन चुकी है, क्लैम कर लिया इसको। एंड अभी इसको जाना पड़ता है मेरे को बैकपैक के अंदर, एंड ये रहा वो ऑयल बॉम्ब, इसको यूज मार देता हूँ एंड गो टू क्राफ्ट। एंड अभी आ जाएगा अपने पास ऑयल बॉम्ब का रेसिपी, जो कि अनलॉक कर लिया है मैंने। एंड इसके लिए लगता है 20 आयरन बार एंड 60 जीपी, जो कि अपने पास बन ही चुका है। सिर्फ मेरे को अभी क्या करना है कि वर्क बेंच को मैक्स करना है, नहीं तो मेरे पास जीपी बन के भी फायदा नहीं है, क्योंकि अपना वर्क बेंच, अगर जो एडवांस वर्क बेंच होता है ना वो नहीं होगा ना, तो भाई मैं बॉम्ब निकाल ही नहीं सकता। एंड इसके अभी हो तो गया भाई, 1000 स्पीयर तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। अभी एक मिनट के अंदर ना ये वर्क बेंच भी अपनी एडवांस हो जाएगी, उसके बाद ना हम जो चाहे अपनी मर्जी से बना, तो मतलब समझ लो हो ही गया मेरा काम सारा का सारा। एक काम करो भाई, अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर इस डब्बे के अंदर जाता हूँ, एंड मेरे पास जितना भी पहले मतलब ये बन सकता है ना, इन सल्फर और इन चारकोल से जीपी, तो वो बना के रख लेता हूँ। सारा का सारा चारकोल उठाता हूँ एंड सारा का सारा सल्फर भी उठाता हूँ। भाई इतना ज्यादा मैंने बना के रखा है ना भाई, तुम्हारे भाई ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया अभी। भाई मेरे बैकपैक के अंदर देखो कितना ज्यादा सल्फर और चारकोल भरा पड़ा हुआ है। एंड अभी क्राफ्ट के अंदर जाता हूँ एंड देखते कितने सेट बनने वाले इसके। भाई 400 सेट बनने वाले, 400 सेट मतलब कि 4000 के भी ऊपर। एंड कंडीशन नॉट मेट लिख के आ रहा है, कंडीशन नॉट मेट लिख के आ रहा है, मतलब मेरे को वर्क बेंच के सामने जाके खड़ा रहना पड़ेगा। ले भाई तेरे चिपक के खड़ा हो गया, अभी बनवा दो इसको। 400 सेट बनाने के लिए एक ही क्लिक में डाल लिया मैंने। एंड अपनी वर्क बेंच भाई एकदम मैक्स एडवांस हो चुकी है, लोहे की बन गई भाई। इसके ऊपर अभी कुछ भी घिसो, कुछ भी करो, कोई टेंशन नहीं होने वाली। एंड जीपी बनना स्टार्ट हो चुका है मेरे बैकपैक के अंदर। और एक काम करो, इसके अंदर कुछ कचरा वचरा है तो भर दो अभी। कचरा मतलब कचरा तो अपने पास सिर्फ अभी सल्फर बना हुआ है, कचरा तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ना अभी चारकोल नहीं है, तो अभी इसका यूज नहीं है, तो इसके अंदर भर देता हूँ। अपने पास ना सल्फर बचा है 6000, 6500 बोल लो, 6500 नहीं भाई 8000 बचा है टोटल। और अभी ना मेरे को वेट करना पड़ेगा जीपी के पूरे सेट बनने तक। अबे कहां पर बन रहा है, ऑलराइट ये 10-10 का भाई, एक सेकंड के अंदर 10 जीपी बन रहा है इसको। जब तक ये पूरा नहीं हो जाता ना, तब तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन वेट क्यों करना, हमें तो भाई ऑयल बॉम्ब बनाने। एक काम करता हूँ, यहाँ पर से लेता हूँ मैं 2000 जीपी उठा लेता हूँ, एंड इधर की साइड में कैबिनेट से जरा सा आयरन उठा लेता हूँ। और अभी ना वर्क बेंच के सामने जाके अपना क्राफ्टिंग के अंदर जाके अपना ऑयल बॉम्ब बनाना स्टार्ट कर देते। 2000 जीपी से कितने बन सकते एक बार चेकआउट करते। भाई मैक्स पे डाल दिया, 40 ऑयल बॉम्ब तो बन भी गए भाई 2000 जीपी से। ले लो भाई, डाल दिया क्राफ्ट पे, और भी बनने चाहिए मेरे पास। अभी जीपी खत्म हो गया, लॉल भाई जीपी बनना स्टार्ट है। तो एक काम करता हूँ, इसको होने ही देता हूँ, उसके बाद बनाता हूँ। 40 सेट तो डाल दिए, जब बनेंगे तब बनेंगे, और बाकी का काम तो होगा बाद में, अभी जीपी बनने दो पहले। ऑलराइट, तो अपना ना ऑलराइट, तो सामने वाले रूम के अंदर ना अपना 24 घंटों के अंदर का सारा खजाना इस लास्ट स्टोरेज के अंदर। तो गाइस हमारा चैलेंज कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ मेरे को सिर्फ 6 ऑयल बॉम्ब बनाने, एंड उसके बाद अपना चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट से कर देते यार कंप्लीट, 24 घंटों के अंदर कर दिया भाई तुम्हारे भाई ने। यहाँ पर से जीपी उठा लेता हूँ, 500 जीपी है मेरे पास पड़ा हुआ, सिर्फ 6 ऑयल बॉम्ब बनाने मेरे को, एंड उसके बाद 200 ऑयल बॉम्ब बन जाएगी। तो कैबिनेट के अंदर से जरा सा ये ले लेता हूँ आयरन, एंड उसके बाद बना देता हूँ अभी मैं 6 ऑयल बॉम्ब। ऑलराइट यार, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। 6 पे क्लिक कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट का 6, 3 2 1 एंड गो।
लेट्स गो। ऑल राइट यार, बॉम्ब ना बनना स्टार्ट हो चुके हैं एंड ये लास्ट के बॉम्ब होने वाले हैं अपने इस डब्बे के अंदर। जब तक वो बॉम्ब बनेंगे ना तब तक हम गिनती कर लेंगे कि कितने बॉम्ब मेरे पास है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 80 यहाँ पर एक काम करता हूँ ना, स्लॉट कितने मेरे पे, 3 स्लॉट के अंदर बॉम्ब भरे पड़े हुए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 मतलब 60 बॉम्ब एक स्लॉट में, 120 हो गया, 120, 130, 140 नीचे के दो 140, 150, 160, 170, 180, 190 तो ऊपर के मिला के ना 190 एंड ये चार लास्ट के, तो 194 बॉम्ब हो चुके एंड लास्ट 6 बॉम्ब भी बन चुकी, इसको भी डाल लेता हूँ। एंड गाइज अपने पास ना फाइनली 200 बॉम्ब हो चुके हैं 24 घंटों के अंदर, तुम्हारे भाई ने चैलेंज कंप्लीट कर लिए। एंड गाइज अभी ना ये बॉम्ब लेके मैं एक आध बंदे के ऊपर रेड मारूंगा, मतलब जो अच्छा बेस होगा ना उसके ऊपर रेड मारेंगे, नहीं तो भाई पूरा सर्वर ही उड़ा के रख देंगे। कोई टेंशन ही नहीं है भाई, तुम्हारा भाई ने दबा दबा के जीपी बना के बॉम्ब बना लिया अभी भाई। डब्बा अगर किसी ने उठा के लेके गया ना भाई, उसके पीछे लग जाऊंगा मैं। वैसे भाई जो भी बंदा ऐसा कांड करने की सोच भी रहा ना, तो भाई उसको उठा के हम नदी के अंदर फेंक के आएंगे यार, भेज के। भाई मैं ही सोच रहा हूँ, तो मैं खुद ही जाऊंगा क्या नदी के अंदर? हम तो ना ठंडे पानी से नहाते हैं। बाय द वे चलो ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, मेरे ना 24 घंटों के अंदर तुम्हारे भाई ने 200 ऑयल बॉम्ब बना लिए एंड चैलेंज को भी कंप्लीट कर लिए। बाकी कल मिलते हैं रेड के साथ एंड एक आध बंदे के ऊपर रेड मार देंगे अभी। तो सभी को बाय बाय।